हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि टेम्परेचर का क्या स्केल है, टेम्परेचर मापने का क्या तरीका था, और प्रेशर को हमने देखा था कि प्रेशर की क्या यूनिट थी, क्या किस कैसे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद इसी क्रम में हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के क्या नियम हैं, कितने नियम हैं, तो जिसमें चार नियम बताए गए हैं, जिसमें जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आइए हम इन सब के विषय में बारी बारी से चर्चा करेंगे। जीरोथ लॉ के विषय में देखेंगे, फर्स्ट लॉ के विषय में देखेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या था, इसकी क्या कमियां रही, तो सेकंड लॉ को लाना पड़ा, और फिर जो है थर्ड लॉ को देखेंगे। आइए हम बात करते हैं फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है, गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरोथ लॉ है वो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि SSC JEE में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीरोथ लॉ फिर क्या होता है, तो लड़के बताने लगते हैं कि तीन बॉडीज होती हैं, जब तीनों बॉडीज को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाया जाता है, तो पहली बॉडी एक दूसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, दूसरी तीसरी के साथ है, तो तीसरी जो है पहले के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ये तो बात तो सही है, थर्मल इक्विलिब्रियम की तो चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन होता है कि थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ जो है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे जो मेन बात है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है JEE जूनियर लेवल एग्जाम में कि जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स का किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है, तो उसमें चार ऑप्शन बना देता है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, जीरोथ लॉ होगा। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स में हम देखें कि यदि तीन बॉडीज हों, बॉडी ए है, बॉडी बी है, बॉडी सी है, तीन बॉडीज हैं, शुरू शुरू में तीनों के टेम्परेचर अलग अलग थे, बॉडी T1, बॉडी T2 और बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, इन तीनों के टेम्परेचर क्रमशः T1, T2 और T3 है। जब इस बॉडी ए और बी को कांटेक्ट में लाया गया तो इनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का बनने का मतलब यह है कि यदि बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में कांटेक्ट में इनको लाएंगे तो होगा क्या कि अगर इनका टेम्परेचर T1 है, इनका टेम्परेचर T2 है, तो ये तब तक अपना टेम्परेचर का आदान प्रदान करते रहेंगे जब तक कि T1 बराबर T2 ना हो जाए। तो जैसे ही इनको हम कांटेक्ट में लाया गया तो देखा ही गया कि T1 बराबर जो है क्या था, T2 था। ऐसे ही जब बॉडी बी और बॉडी सी को लाया गया कांटेक्ट में तो इनका देखा गया कि T2 का टेम्परेचर बॉडी बी का और बॉडी सी का टेम्परेचर बराबर है, यानी T2 बराबर क्या हो जाएगा, T3 के। यहाँ देखिए, जब T1 बराबर T2 के है और T2 बराबर T3 के है, तो ये देखिए T1 बराबर T2 और T2 ही बराबर किसके है, T3 के। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जब बॉडी इनको इनको कांटेक्ट में लाया जाएगा तो T1 जो है T3 के बराबर होगा। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि यदि तीन बॉडीज हों, अलग अलग टेम्परेचर पे हों, तो जब उनको कांटेक्ट में लाया गया तो एक दूसरे की बॉडी में कांटेक्ट में लाया गया तो इनके बीच की थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी। थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का मतलब इनके इनके बीच का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हो, बॉडी बी और बॉडी सी के बीच में टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से हम कहते हैं सी और ए के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। तो दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है, तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं, जरा इनको हम लिख लेते हैं, नोट पॉइंट क्या क्या है। तो पहली बात यह है कि किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है, तो पहला जो नोट पॉइंट का जो पहला पॉइंट होगा वो ये देखिए, पहला है कि गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरी बात है कि मिनिमम थ्री बॉडी आर रिक्वायर्ड, मिनिमम थ्री बॉडीज आर रिक्वायर्ड, थ्री बॉडीज आर रिक्वायर्ड।
नेक्स्ट जो पॉइंट है कि क्या इन सब के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम, हाँ थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन, थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेंटेन, तो देखिए यहाँ पर तीन जो नोट पॉइंट का मेरा पहला पॉइंट है गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसएससी वगैरह जो जूनियर लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं पॉइंट ऑफ यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ कि पहली बात तो जीरोथ लॉ जो है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। पहला क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन के कितनी बॉडी रिक्वायर्ड होती है जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, तो तीन बॉडी होती है। तो यहाँ पर जो थ्री बॉडीज है इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, थ्री बॉडीज आर रिक्वायर्ड, कम से कम कितना, मिनिमम थ्री बॉडीज आर रिक्वायर्ड, कम से कम तीन बॉडी चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। तीसरी बात क्या है कि थर्मल, क्या इनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम बनती है, यस, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन। ये दोस्तों जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स के विषय में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जब जीरोथ लॉ से पूछा जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में जो जेई लेवल के जूनियर लेवल के एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज का कॉन्सेप्ट देता है, तो टेम्परेचर का। हमारा ऑप्शन होगा टेम्परेचर का। आइए हम फर्स्ट लॉ की चर्चा करते हैं कि फर्स्ट लॉ आखिर क्या था, इसने किसके विषय में बताया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के विषय में हम पढ़ने चल रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, फिर क्या इसकी विशेषताएं रही, फिर इसकी कमियां क्या थी जिससे फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ है लाना पड़ा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये किस चीज का कॉन्सेप्ट देता है, ये देता है गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी और एंट्रोपी की चर्चा हम बाद में करेंगे। इसी के जस्ट बाद लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद ही हम एंट्रोपी, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अभी हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के नियम पढ़ रहे हैं तो हम इनके नियमों को देखेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो नियम फर्स्ट लॉ था उसने ये बताया कि जो इसका कॉन्सेप्ट दिया इसने वो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया। इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसने दो विधियों से बताया गया कि पहली बात ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो पहली बात जो थर्मोडायनेमिक्स की पॉइंट, जो की पॉइंट है वही है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है इसको देख लीजिए, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it converts one form to another form। जीरोथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने यह बताया कि एनर्जी जो है कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर काम करती है। तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या है कि एनर्जी ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से इसको हम दूसरे फॉर्म की ओर बदल सकते हैं, हम ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डैम में अगर पानी रहता है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है,
लेकिन डैम में जब हम पेन स्टार्ट के द्वारा मोटी मोटी पाइपों के द्वारा जब उसके पानी को जब हम टरबाइन के ऊपर गिराते हैं तो वहां पर एनर्जी दूसरी हो जाती है। दूसरी एनर्जी जब नोजल में एनर्जी आती है तो काइनेटिक एनर्जी, जब वही एनर्जी नोजल की जब टरबाइन की ब्लेड्स पर रोटेट करती है गिरती है तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी होती है। वही मैकेनिकल एनर्जी फिर बदल जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म में पाते हैं। यानी इससे बात ये प्रूव होती है कि एनर्जी ना तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट था तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये बताया गया इसको जूल्स का नियम कहते हैं। जूल्स का नियम ये कहा कि अगर किसी क्लोज सिस्टम की साइक्लिक इंटीग्रल, किसी भी क्लोज सिस्टम का साइक्लिक इंटीग्रल जो उसकी हीट होती है बराबर होगी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क, यानी क्या होगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बराबर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क। ये साइक्लिक इंटीग्रल मतलब किसी भी साइकिल है तो साइकिल का पूरा किसी भी क्लोज सिस्टम में कोई पूरी साइकिल का जो वर्क हीट होगी उस पूरी साइकिल का उस क्लोज सिस्टम की पूरी साइकिल के वर्क के बराबर होगी। तो ये बात हुई। यानी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में दो बातें ध्यान रखनी है। दो बातें ध्यान कौन कौन सी है? पहली बात यह है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज का कांसेप्ट देता है? इंटरनल एनर्जी का कांसेप्ट देता है, आंतरिक ऊर्जा का कांसेप्ट देता है। पहली बात इसमें ये बताइए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। दूसरी बात इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताया गया कि टोटल हीट जो है टोटल वर्क में कन्वर्टिबल है, मतलब टोटल किसी भी क्लोज सिस्टम की संपूर्ण जो ऊष्मा है उस सिस्टम की संपूर्ण वर्क उसमें होने वाले संपूर्ण वर्क के बराबर होगी। यानी किसी भी सिस्टम को जो भी हीट दी जाए वो पूरे के पूरे वर्क के बराबर होगी। दोस्तों हम जानते हैं ये देखिए यहाँ पर अगर कोई क्लोज सिस्टम है जिसको अगर हम डेल क्यू हीट दे रहे हैं तो इसकी एनर्जी दो फॉर्म में चेंज हो जाएगी, एक तो इंटरनल एनर्जी में और साथ ही साथ किसमें हो जाएगी डेल डब्ल्यू में। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इस फार्मूले के डेल क्यू बराबर जो है दी गई ऊष्मा बराबर मिलने वाली जो एनर्जी होगी वो ये होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार यही होगा कि जितनी सिस्टम को हीट हम दे रहे हैं वो भले दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर के डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा। यानी डेल क्यू और डेल डब्ल्यू यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हीट जो है वर्क हीट और वर्क दोनों ही पार्शियल डिफरेंशिएबल होते हैं, कभी भी कंप्लीट डिफरेंशिएबल नहीं होते क्योंकि ये अनुपात फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी जो है पॉइंट फंक्शन है, ये पूरा पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएबल होते हैं। यानी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में जो टोटल किसी भी क्लोज सिस्टम को दी जाने वाली हीट समस्त उसके वर्क और उसके इंटरनल एनर्जी में खर्च हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट बात जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आती है कि व्हाट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के क्या क्या कमियां रही, ड्रॉबैक रही उसकी, उसकी कमियों को हम देखते हैं। तो कमियां क्या रही, कमी आप देख लीजिए यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जेईई के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में या जितने भी जूनियर लेवल या अदर पीएसयू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से फर्स्ट लॉ से तो पूछे ही जाते हैं, जीरोथ लॉ से भी पूछे जाते हैं। यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एग्जाम में एक क्वेश्चन सियो बनता है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स TFL थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, ड्रॉबैक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के कौन कौन से ड्रॉबैक हैं, ड्रॉबैक की बात करें तो पहला जो ड्रॉबैक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाया
कि किसी भी प्रोसेस की डायरेक्शन क्या होगी। यानी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो डायरेक्शन को नहीं बताता है। दूसरी बात, फर्स्ट लॉ में ये बता दिया गया कि हीट और वर्क दोनों पूरा इनका साइक्लिक इंटीग्रल होगा, वो पूरा का पूरा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो जबकि ये बात प्रूव नहीं होती कि पूरी की पूरी हीट किसी सिस्टम में पूरे वर्क में बदल जाए, ऐसा कहाँ पॉसिबल है। इसीलिए परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड लाया गया, जिसको PMM1 कहते हैं। तो PMM1 इसका वायलेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जो सारी हीट को सारे वर्क में बदल दे। तो पहला ये है कि डज नॉट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ एनी प्रोसेस। डायरेक्शन को नहीं बताया। दूसरी बात, डज नॉट टेल्स अबाउट एनी प्रोसेस फीजिबल और नॉट फीजिबल। Not feasible का मतलब ये है कि वो प्रोसेस होगी भी या नहीं होगी। जैसे इस बात को आगे चलकर के क्लासियस ने बताया, तो क्लासियस ने कहा कि अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी अगर लेस आर इक्वल टू जीरो होगा तो किसी भी प्रोसेस को हम बता सकते हैं कि प्रोसेस होगी कि नहीं होगी। यदि लेस देन जीरो है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी। अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो होने का मतलब कौन सी प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल होगी। अगर साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन टी अगर इक्वल टू जीरो है तो रिवर्सिबल है। अगर डेल क्यू अपॉन टी ग्रेटर देन जीरो होगा तो इम्पॉसिबल होगा। यानी ये सब बातें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताई गई। यानी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में जो कमियां रही वो कमियां ये थी कि इसने कभी भी कहीं पर भी डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं की गई इस लॉ में। दूसरी बात, इसमें ये नहीं बताया गया है कि इसमें कोई भी प्रोसेस फीजिबल है, होगी भी या नहीं होगी, यानी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। यदि पॉसिबल है तो क्या है, नहीं पॉसिबल है तो क्या है। यदि पॉसिबल तो इस बात को क्लासियस ने फिर बाद में बताया है कि क्लासियस ने कहा कि यदि डेल क्यू अपॉन टी इक्वल टू जीरो है तो प्रोसेस क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। अगर डेल क्यू अपॉन टी लेस देन जीरो होगी तो प्रोसेस क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी। अगर डेल क्यू अपॉन टी ग्रेटर देन जीरो होगी तो इम्पॉसिबल प्रोसेस होगी, ऐसा क्लासियस ने बताया था। तो दूसरी बात ये है कि जो है इसने फीजिबल और नॉट फीजिबल को भी बताया। तीसरी चीज है कि PM1 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है TFL को वायलेट करती है, थर्मोडायनेमिक्स को TFL वायलेट्स TFL। तो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का विरोध करती है, वायलेट करती है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये बात बताई गई कि संपूर्ण जो हीट होगी जो साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। जबकि ऐसा कोई मशीन परपेचुअल मशीन में ये मोशन मशीन में बताया गया कि ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जो बिना वर्क के जो है या बिना सारी की सारी हीट सारे वर्क में बदल जाए और बिना किसी एग्जास्ट के, या हम ये कहें कि सारी हीट सारे वर्क में बदल जाए तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यानी परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड जो वायलेट करता है थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट काइंड। ये भी कई बार जेई के एग्जाम में ये तीनों पॉइंट जितने हैं, ये दो तीन, ये तीनों भी ड्रॉबैक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ड्रॉबैक पहला रहा कि इसने जो है कभी भी कहीं पर भी डायरेक्शन की चर्चा नहीं की कि प्रोसेस क्या होगी। दूसरी बात यह है कि प्रोसेस फिजिबल होगी या इनफिजिबल होगी। फिजिबल होगी यानी होगी भी कि नहीं होगी, अगर होगी तो क्या नेचर होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पीएमओ मशीन परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ का वायलेट करती है, वायलेट मतलब विरोध करती है, उसके नियम का पालन नहीं करती है। और ऑब्वियस ही बात है कि नहीं करनी चाहिए क्योंकि संपूर्ण हीट संपूर्ण वर्क में बदल जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के ये जो ड्रॉबैक थे दोस्तों, ये ड्रॉबैक हमने देखा यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और एसएससी जी का जो मेंस का पेपर होता है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना होगा और वहाँ पर ये चीजें करना होगा। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है तो आपको होशियार होना चाहिए। क्लास में हम सारी चीजें बता दे रहे हैं, हम संडे संडे को टाइम रख देंगे क्वेश्चन करने का, आप लोग क्वेश्चन भी हमसे जुड़ते रहिए। और बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए ताकि हमारी एनर्जी मेंटेन रहे। मेंटेन होने का मतलब ये है कि हमारा मन लगे पढ़ाने में भी और आपका भी मन लगे पढ़ाने में। आइए हम सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, जो थर्मोडायनेमिक्स का ऊष्मा गतिकी का जो दूसरा नियम है उसमें देखिए क्या बात है। इस सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को समझाने के लिए दो लोग आए, एक केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है जिसको हम केपी स्टेटमेंट कहते हैं। पहला तो केपी स्टेटमेंट है, दूसरा है क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस का स्टेटमेंट आया, केल्विन और क्लासियस ने कुछ अलग नहीं बताया, इन दोनों ही ने मशीन के ही विषय में बताया। केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट ये था कि ऐसी कोई भी मशीन बनाना संभव नहीं है जो किसी एक सिंगल रिजर्वायर के सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे मतलब ये है, अगर मान लीजिए एक कोई रिजर्वायर है और यहां से ये हीट ले रहा है क्यू, डेल क्यू हीट ले रहा है और बदल दे रहा है डेल डब्ल्यू, यानी बिना एग्जास्ट के बदल दे, यानी हम यहाँ एक बार इस चीज को डॉटेड डॉटेड कर दे रहे हैं, यानी संपूर्ण हीट संपूर्ण वर्क में बदलेगी नहीं हो पाएगी, यानी कुछ ना कुछ एग्जास्ट करना पड़ेगा। केल्विन तथा प्लांक ने ये बताया कि अगर ये हीट रिजर्वायर है, यहाँ पर सोर्स है, हीट रिजर्वायर यहाँ पर क्या है सोर्स है और यहाँ पर क्या है सिंक है। केल्विन प्लांक ने बताया कि सोर्स की हीट को तभी वर्क में बदला जा सकता है जब हम कुछ ना कुछ अमाउंट में सिंक पर एग्जास्ट करें। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो संपूर्ण हीट को संपूर्ण वर्क में बदल दे बिना किसी एग्जास्ट के। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो जो बोल रहा हूँ हिंदी मीडियम का लिख लेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको हिंदी में लिख लेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखेंगे, साथ ही साथ मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ करके अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख लेंगे ताकि किसी को भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। क्लासियस ने यही बात बताया कि क्लासियस ने बताया कि ऐसा कोई मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है या ऐसी कोई मशीन बनाई नहीं जा सकती जो किसी भी लोअर टेम्परेचर यानी सिंक से सोर्स को हीट पहुंचा सके। अगर ये सोर्स है, अगर सिंक है, यानी सिंक की हीट को सोर्स में तभी पहुंचा पाएगी जब ये बदले में कुछ ना कुछ वर्क प्राप्त कर रही होगी।
यानी जब तक इसको हम वर्क नहीं देंगे तब तक ये यहाँ की हीट को इस Q2 हीट को Q1 में बदल नहीं पाएंगे। तो यानी केपी क्लास केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने ये बताया कि ऐसा कोई इंजन इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंजन विच कन्वर्ट्स टोटल हीट इनटू टोटल वर्क विदाउट विद अ सिंगल रिजर्वायर और विदाउट अनदर रिजर्वायर। तो इन एनी सिस्टम देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिजर्वायर सोर्स एंड सिंक। तो केल्विन प्लैंक ने बताया कि कोई भी ऐसे मशीन या ऐसा कोई इंजन या ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनाई जा सकती जो सिंगल रिजर्वायर के माध्यम से संपूर्ण हीट को संपूर्ण वर्क में बदल सके। क्लासियस ने बताया कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं बनाया जा सकता जो किसी भी लोअर ग्रेड एनर्जी मतलब सिंक की हीट को सोर्स में की हीट में बदल दे या लोअर ग्रेड एनर्जी को हायर ग्रेड में एनर्जी में बदल सके बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। यानी अगर ये हीट Q2 Q1 में बदलना पड़ेगा तो हमको बदलने में क्या देना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा। तो जो ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने दिया इसका जो आता है जिसका एग्जांपल मिलता है वो हीट इंजन में मिलता है। अभी हम देखेंगे ये सब सारी चीजें, हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, आगे सब बातें देखेंगे सीक्वेंस रूप में। तो ये है क्लासियस स्टेटमेंट, ये आपको बताया गया। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कांसेप्ट देता है गिव्स द कांसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो एंट्रोपी का कांसेप्ट देता है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया, अपना मत दिया, अपना स्टेटमेंट दिया। पहला स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक ने दिया, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्लासियस ने दिया। केल्विन ने ये बात बताई और क्लासियस ने ये बात बताई। तो आप भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किस चीज का कांसेप्ट मिलता है, तो हमको एंट्रोपी का कांसेप्ट मिलता है। इसको समझाने के लिए कितने लोग आए, तो दो लोग आए, केल्विन प्लैंक आए और क्लासियस आए। तो केल्विन का क्या स्टेटमेंट था ये और क्लासियस का क्या स्टेटमेंट था ये। तो केल्विन प्लैंक के जो स्टेटमेंट से जो डिवाइस बनी उसका नाम था हीट इंजन। यानी हीट इंजन को बता रहे थे कौन, केल्विन प्लैंक बता रहे थे। जो ये क्लासियस स्टेटमेंट से आया, जो इस डिवाइस की जो चर्चा हो रही थी, ये रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की चर्चा हो रही थी। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की, यानी क्लासियस स्टेटमेंट के माध्यम से रेफ्रिजरेटर हीट पंप की और केपी स्टेटमेंट के माध्यम से हीट इंजन की चर्चा। तो फ्रेंड्स यहाँ से ही एंट्रोपी का जो है, आप देखेंगे कि आगे कैसे एंट्रोपी का ग्रोथ होता है धीरे धीरे। हम लोगों ने आज जीरोथ ला पढ़ा, फर्स्ट ला पढ़ा, सेकंड ला पढ़ा, यहाँ से जेई के एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, मेंस में भी और प्री में भी ये क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही बनते हैं। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू उसे ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग बाकायदा इस वीडियो को बार बार देखिए, तो बार बार देखने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हो सके क्या, आप लोग कोशिश करिए कि इसको लिखते जाइए, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको लिखिए, बाकायदा समझिए, हमने जो समझाया है आप वो लिखिए, जो बोला है उसको समझते जाइए और लिखते जाइए। चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के होंगे तो हमने आपको बताया था कि जो हम बोलते हैं उसको लिखते जाएं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ बोर्ड पे जो लिखा गया है उसको लिखेंगे, साथ ही साथ अपना जो सुनते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में उतारने का प्रयास करेंगे। तो बस फ्रेंड्स है इतना ही आज हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं।